मतलब सतोशी नाकामोटो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि पैसे का ट्रांजेक्शन हो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरफेरेंस के बिना, और यहीं से स्टार्ट हुआ क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम अपना एक संबोधन दिया और कहा कि आज रात 12 बजे बाद 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं बचेंगे, तब आपके मन में क्या क्वेश्चन आया था? क्या तब आपको ये नहीं लगा कि यार ये पैसा तो मेरी तिजोरी में रखा हुआ है, इस पर तो मेरा कंट्रोल होना चाहिए? लेकिन एक झटके में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन से आपके उन नोट्स की, आपके उन करेंसी की वैल्यू को जीरो कर दिया। दोस्तों कैसा लगता होगा उन डिपॉजिटर्स को जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई किसी बैंक में एफडी के फॉर्म में, फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में रखी हुई है, और अगर वो बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं सही तरीके से यूटिलाइज ना करे, गलत तरीके से लोन बांटे और वो लोन डूब जाए, वो पैसा डूब जाए, और बैंक फिर अपने डिपॉजिटर्स को कहे कि आप अपना पैसा बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते, कैसा लगता होगा उन इन्वेस्टर्स को, उन डिपॉजिटर्स को? दोस्तों ये दो एग्जाम्पल से आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि हमारी करेंसी, हमारा पैसा, हमारी इनकम जो आपके नोट के फॉर्म में आपको दिख रही है, उस पर पूरा कंट्रोल, उस पर पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, और उस पैसे को यूज करने की पूरी अथॉरिटी जिस बैंक को आपने वो पैसा दिया है उसके पास है, और इनमें से कोई भी पर्सन कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपके उस पैसे की वैल्यू को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। दोस्तों इसी वजह से 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि वास्तव में एक व्यक्ति का नाम है या नहीं अभी किसी को नहीं पता, सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने 2008 में एक कॉन्सेप्ट पेपर, जिसे हम व्हाइट पेपर भी कह सकते हैं, उस व्हाइट पेपर के थ्रू हमें यह बताने की कोशिश की कि हम एक ऐसी डिजिटल करेंसी चाहते हैं जिसके थ्रू हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पेमेंट ट्रांसफर करें विदाउट गोइंग थ्रू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। मतलब सतोशी नाकामोटो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि पैसे का ट्रांजेक्शन हो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरफेरेंस के बिना, और यहीं से स्टार्ट हुआ क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड, यहीं से स्टार्ट हुई डिजिटल करेंसी की। दोस्तों 2008 में हमने जब वर्ल्ड वाइड एक कहीं ना कहीं स्लैक देखा इकोनॉमीज में, जब लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े बैंक्स भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गए, उसके जस्ट बाद सतोशी नाकामोटो ने जब ये कॉन्सेप्ट पेपर अनाउंस किया, तब भी लोगों को यकीन नहीं था कि डिजिटल करेंसी, एक ऐसी करेंसी जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है, क्या उसका कोई अस्तित्व फ्यूचर में होगा? जिस करेंसी की दोस्तों वैल्यू किसी समय 2008 में कुछ भी नहीं थी, वो करेंसी आज 40 लाख रुपए की वैल्यू रखती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन, जो कि इस वर्ल्ड की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। दोस्तों अब हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो हमें ये समझ में आ चुका कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिस पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी सेंट्रल बैंक और किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज इतनी पॉपुलर क्यों हो रही हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इनके बारे में बात कर रहा है। आज से कुछ साल पहले अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते थे तो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, लेकिन चूंकि आज ये करेंसीज पॉपुलर हो रही हैं, इसलिए लोग इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि क्या मैं भी इन करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकता हूं। तो दोस्तों हमें यहां पर ये समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी दो काम में आ सकती है, या तो लेन देन करने के लिए, या दूसरा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने के लिए। जहां तक बात है लेन देन करने के लिए, मीन्स हम बात कर रहे हैं लीगल टेंडर की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्रिप्टो करेंसी को अभी लीगल टेंडर अधिकतर कंट्रीज में नहीं माना जाता, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे यहां भी क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। हमारे यहां तो कुछ लोगों को इवन अभी यह भी लगता है
कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वैलिड ही नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में डील करना इलीगल नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी, तो लीगल टेंडर अगर नहीं है तो मैं इस करेंसी के थ्रू लेन देन तो कर ही नहीं सकता। हालांकि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी अलाउ करती हैं कि आप बिटकॉइन में उन्हें पेमेंट कर दें, डॉज कॉइन में पेमेंट कर दें। इस वर्ल्ड के एक बहुत फेमस व्यक्ति एलन मस्क ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो डॉज कॉइन के थ्रू पेमेंट लेना एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट की। तो आज की डेट में अधिकतर लोग क्रिप्टो करेंसी से इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो इन करेंसीज में पैसा इन्वेस्ट करके और अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसी कितनी क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती हैं? तो दोस्तों 2020 के अंत तक पूरे वर्ल्ड में 8000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हुआ करती थी, लेकिन 2021 के एंड तक यह संख्या 16000 हो गई। आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड किस तेजी के साथ क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, इन्वेस्टर किस तेजी के साथ क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि है तो ये करेंसी। हालांकि हमने कहा कि करेंसी तब मानेंगे जब इसकी अलग अलग कंट्रीज लीगल टेंडरिंग एक्सेप्ट करें, और यही रीजन है कि आज की डेट में अधिकतर समझदार लोग क्रिप्टो करेंसी की जगह क्रिप्टो असेट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि लगभग देखा जाए तो ये करेंसी नहीं है, ये एक्सचेंज का मीडियम नहीं है। लेकिन हम क्रिप्टो वर्ड यूज क्यों करते हैं? क्रिप्टोग्राफी की वजह से हम मान सकते हैं कि यह वर्ड यूज किया जाता है। मींस एक ऐसी करेंसी जो टेक्निकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट हो रही है, आईटी के थ्रू क्रिएट हो रही है, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू क्रिएट हो रही है, इसलिए इस करेंसी को कहा जाने लगा क्रिप्टो करेंसी। अब आप पूछेंगे कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली काम कैसे करती है? तो दोस्तों अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पॉपुलर करेंसी बिटकॉइन कैसे काम करती है। तो दोस्तों सतोशी नाकामोटो जब बिटकॉइन नाम की करेंसी को लेकर आए तो उन्होंने कहा हमारी बिटकॉइन के पीछे हमारी एक सोच है, जिस टेक्नोलॉजी को उन्होंने नाम दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हमें अब समझना पड़ेगा कि ये बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या कनेक्शन है। दोस्तों सपोज कीजिए आपने अपने एक फ्रेंड को बिटकॉइन बेचना चाहा, आपने बिटकॉइन खरीदा, अब आप चाहते हैं कि ये बिटकॉइन आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दें। लेकिन अब ये पूरा ट्रांसफर या पूरा ट्रांजेक्शन होगा कैसे? इसके लिए सतोशी नाकामोटो की सोच थी कि हम पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज रखने की जगह डिसेंट्रलाइज करते हैं। उससे क्या होगा? दोस्तों जब सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं तो हैकिंग की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और इसी सोच के साथ सतोशी नाकामोटो ने कहा कि हम हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिसेंट्रलाइज तरीके से चलाएंगे, जिसमें वैलिडेटर ट्रांजेक्शंस को वैलिड या वेरीफाई करने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और इसीलिए आज लाखों लोग इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वेरीफायर के रूप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता कैसे है। दोस्तों जब एक व्यक्ति ने अपने बिटकॉइन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचे तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे माइनर्स जिन्हें कहा जाता है, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने का, इस पूरी टेक्नोलॉजी में इन लोगों को कहा जाता है माइनर्स। तो यहां पर एक्चुअल में कोई फिजिकल माइनिंग नहीं हो रही है, यहां माइनिंग हो रही है बिटकॉइन की। नया बिटकॉइन दोस्तों माइनिंग के थ्रू ही जन्म लेगा, और माइनिंग कैसी होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो क्या बिटकॉइन एक सीमित संख्या में ही क्रिएट होंगे? जी हां दोस्तों, सतोशी नाकामोटो ने कहा था कि टोटल बिटकॉइन एट अ पर्टिकुलर टाइम 21 मिलियन से ज्यादा नहीं होंगे। आज की डेट में जो बिटकॉइन मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो करीब करीब 19 मिलियन बिटकॉइन तो मार्केट में आ चुके हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे माइनिंग होती जाएगी वैसे वैसे बिटकॉइन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो बिटकॉइन कैसे क्रिएट हो रहा है, माइनिंग के थ्रू, कैसे क्रिएट हो रहा है माइनिंग के थ्रू, वो बात भी हम इस वीडियो में आगे करेंगे। अब दोस्तों हमें समझना है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन ट्रांसफर किए, अब क्या होगा कि ये ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड किसी एक माइनर को वेरीफाई करना है। इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए माइनर्स को एक टिपिकल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है।
अब दोस्तों ये मैथमेटिकल इक्वेशन इक्वेशन कोई पेन या पेपर पर सॉल्व नहीं होती, इसके लिए माइनर्स को अपने यहाँ बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करने होते हैं और फिर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब आप कह रहे होंगे कि ये कोशिश तो पूरे वर्ल्ड के लाखों माइनर्स कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो फिर कौन पर्सन सक्सेसफुल होगा? जिस पर्सन ने इस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले वेरीफाई कर दिया, फास्टेस्ट वन, उस पर्सन को माना जाएगा वेरीफायर, उस पर्सन को माना जाएगा सक्सेसफुल माइनर, और बदले में उस पर्सन को क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड किसके फॉर्म में मिलेगा? बिटकॉइन के फॉर्म में। तो रिवॉर्ड के बदले में बिटकॉइन दिए जा रहे हैं और इस वजह से दोस्तों नए नए बिटकॉइन क्रिएट होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे माइनिंग होगी वैसे वैसे उन्हें नए नए बिटकॉइन रिवॉर्ड के फॉर्म में दे दिए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो काम एक पर्टिकुलर पर्सन से हुआ, लेकिन इसकी रेस में तो बहुत सारे लोग थे। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, रेस लगेगी लोगों के बीच में कि कौन इस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले वेरीफाई करे और अंततः जीतेगा कोई एक व्यक्ति। इसी कंसेंसस मैकेनिज्म को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दोस्तों नाम दिया गया प्रूफ ऑफ वर्क, कि आप प्रूफ कर दीजिए, आप प्रूफ दे दीजिए कि आपने ये वेरिफिकेशन का काम किया है सही से, हम आपको बिटकॉइन के फॉर्म में रिवॉर्ड दे देंगे। हालांकि दोस्तों आप कहेंगे कि यार ये तो लाखों लोगों का वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। यस, और इसी वजह से दोस्तों एलन मस्क ने कुछ समय पहले ट्वीट करके कहा था कि उन्हें बिटकॉइन की इस प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से यही आपत्ति है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन हो रहा है उसकी वजह से एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज देखना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन की प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों हमने ये सीख लिया कि एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे माइनर्स में रेस होती है और जो माइनर उसको वेरीफाई सबसे पहले कर देता है उसे बिटकॉइन के फॉर्म में रिवॉर्ड दिया जाता है। तो दोस्तों इस वजह से क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन को जैसे वेरीफाई किया, ये ट्रांजेक्शन पुराने ट्रांजेक्शन के साथ चेन में एड कर दिया जाएगा और हर ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसीलिए उस पूरी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। तो एग्जैक्टली ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है? जहां हर ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक क्रिएट है और हर ट्रांजेक्शन पुराने ट्रांजेक्शन के साथ चेन के थ्रू, डिजिटली चेन के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए नाम दिया जाता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। अब आप पूछेंगे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का क्या कोई फ्यूचर है? जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बहुत सारी जगह यूज की जा सकती है, जिसे कहा जाता है यूज केस। दोस्तों अगर आपने सुना हो तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानपुर IIT में ब्लॉकचेन बेस्ड डिग्री स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है। मींस अब आपको अपना पूरा डेटा किसी पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना, अगर डिग्रीज ब्लॉकचेन फॉर्म में आने लग गई तो पूरा डाटा एक साथ स्टोर हो जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात यह होती है कि माइनर्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, वेरीफायर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के डेटा को अगर आपको छेड़छाड़ करनी है तो इतने सारे सिस्टम एक साथ हैक करने होंगे, जो कि टेक्निकली आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सेफ्टी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किस चीज का है? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ट्रांजेक्शन केवल एक सिस्टम से होने की जगह लाखों सिस्टम के थ्रू हो रहा है। लाखों सिस्टम जो इस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज बढ़ेगा क्या वैसे वैसे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी? जी हाँ दोस्तों, यही माना जाता रहा कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे उसका यूज केस पॉपुलर होगा, लोग उसे अडॉप्ट करेंगे, वैसे वैसे उस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो कॉइन है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी समझ आ गया कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं लगभग कहीं ना कहीं इनके पीछे एक प्रोजेक्ट है, एक टेक्नोलॉजी है और उसके बेसिस पर इन कॉइन्स को क्रिएट किया जाता रहा है। तो दोस्तों ये हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की कि कैसे एक छोटी सी जो सोच थी, एक छोटे से पॉइंट के साथ सोच स्टार्ट हुई थी जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था कि हम एक ऐसी डिजिटल करेंसी चाहते हैं जिसका कंट्रोल कहीं ना कहीं बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना रहे, लोग
उसकी वैल्यू खुद डिसाइड करे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी वैलिडिटी डिसाइड ना करे. लेट द पब्लिक डिसाइड द प्राइस एज वेल एज वैलिडिटी ऑफ द करेंसी. और ऐसी करेंसी को आज की डेट में कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी. दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने सुना कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने IIT कानपुर में ब्लॉकचेन बेस्ड डिग्री लॉन्च की है. कुछ दिनों पहले हमने ये भी सुना कि केरल की स्टेट गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके अनुसार हो सकता है कि केरल में अब से लैंड की रजिस्ट्री, जो जमीनों की रजिस्ट्री होती है, वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगी. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या. तो हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है. दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. तो दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी असल में है तो एक डेटाबेस. अब हम ये बात करते हैं पहले कि डेटाबेस क्या होता है. दोस्तों, आसान सी भाषा में डेटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है. लेकिन आज तक जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती आ रही है डेटाबेस कलेक्शन के लिए, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो डेटाबेस कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड था. मींस कोई एक अथॉरिटी है जो उस डेटाबेस को कंट्रोल करके बैठी हुई है. इसीलिए उस डेटाबेस को हैक करना, उस डेटाबेस को चेंज करना कहीं ना कहीं आसान हुआ करता था. इस दुनिया को जरूरत थी एक ऐसी डेटाबेस कलेक्शन की टेक्नोलॉजी की जिस डेटाबेस को सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज किया जा सके, ताकि बहुत सारे सिस्टम्स पर वो इंफॉर्मेशन सेव हो, ताकि उसे बदलना इतना आसान ना हो पाए. इट मीन्स उसकी हैकिंग पॉसिबल ना हो, उसकी टेम्परिंग, उसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान ना हो. दोस्तों, इसी सॉल्यूशन का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग 1991 में हुई थी जब इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने की कोशिश की गई. लेकिन एक्चुअल में इस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2009 में. जी हाँ, 2009 में जब सतोशी नाकामोटो ने लॉन्च की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम लिया जाता है बिटकॉइन. तो दोस्तों, अब एक बात तो तय है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड है और उसमें चेंज करना आसान नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द डेटा स्टोर्ड इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब हम बात करते हैं कि असल में ये काम कैसे करती है. तो दोस्तों, जैसे कि अगर एक किराने की दुकान वाला भी अपनी खाता बही मेंटेन करता है, जहां वो हिसाब रखता है कि आज कितना मैंने माल बेचा, कितना माल खरीदा, कितने पैसे मैंने आज कमाए, जिसे हम कहते हैं लेजर, वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए भी रिक्वायर्ड होती है एक लेजर. तो दोस्तों, उसी तरह से यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी हर एक रिकॉर्ड एक ब्लॉक है. अब हम बात करेंगे कि इस ब्लॉक में स्टोर क्या होता है. तो दोस्तों, हर एक ब्लॉक में तीन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं. पहली इन्फॉर्मेशन, जिसे हम कह सकते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो उस ब्लॉक में हमें स्टोर करना है. जैसे अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन से रिलेटेड ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक में एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रांसफर की डिटेल, कि कब ये बिटकॉइन किसने किसको बेचा था. तो पहली चीज़ जो ब्लॉक में होती है वो होती है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. दूसरी चीज़ होती है हैश. अब हम बात करते हैं ये हैश क्या होता है. दोस्तों, आप मानकर चलें कि हैश एक तरह से फिंगरप्रिंट है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब इस ब्लॉक में कुछ इन्फॉर्मेशन पुट की जाएगी तो हर एक पर्टिकुलर इनपुट पर वो ब्लॉक एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके देगा. जैसे ही आप इनपुट चेंज करेंगे वो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा. ये बात ध्यान रखना, हम इसको आगे कनेक्ट करेंगे. तो एक पर्टिकुलर इनपुट पर वो ब्लॉक का एक पर्टिकुलर हैश जनरेट होगा, जिसको एक तरह से हम फिंगरप्रिंट की तरह, एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह यूज कर सकते हैं. और तीसरी इंफॉर्मेशन होगी ब्लॉक में प्रीवियस हैश, पिछले ब्लॉक का हैश. ये हैश ही वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हर ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है. तो दोस्तों, इस तरह से ब्लॉक में इंफॉर्मेशन हो गई, ब्लॉक में चीजें हो गई तीन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, पिछले ब्लॉक का हैश और इस करंट ब्लॉक का हैश. अब दोस्तों, हमें यह समझना है कि आपने प्रीवियस ब्लॉक का हैश यहाँ कनेक्ट क्यों किया. दोस्तों, उसी हैश की वजह से तो हर ब्लॉक नए ब्लॉक के साथ कनेक्टेड दिखेगा. तो टेक्निकली अगर आप देखें तो चीज़ों को ट्रैक करना यहाँ कितना आसान हो जाएगा. हमें पता होगा कि कौन से ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक बना, कौन सी इन्फॉर्मेशन के बाद कौन सी नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनपुट की गई. तो दोस्तों, इसके थ्रू हम ब्लॉक की हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, ब्लॉक को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं और ये सेफ भी है. अब ये सेफ क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इस
डेटाबेस को टेम्पर करना है, छेड़छाड़ इस डेटाबेस के साथ अगर करनी है तो आपको सारे हैश चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी ब्लॉक का डेटा चेंज किया तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। जैसे उस ब्लॉक का हैश चेंज होगा, वो हैश किसी दूसरे ब्लॉक में प्रीवियस हैश की तरह कनेक्टेड है, तो वहां पर डेटा आपको चेंज करना पड़ेगा। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, मैं सारे ब्लॉक का हैश चेंज कर दूंगा। बहुत आसान नहीं है। आप मानकर चलें कि जैसे हम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक ब्लॉक को ऐड करने में करीबन 10 मिनट का समय लगता है। अब अगर ऐसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में 1 करोड़ ब्लॉक हैं तो साहब आपको 200 साल लग जाएंगे इन सारे ब्लॉक्स के हैश को चेंज करने में। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैसे है। दोस्तों, इसका मेन रीजन ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो डेटा है वो किसी एक कंप्यूटर सिस्टम पर सेव नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड होते हैं बहुत से हजारों लाखों लोग, जिन्हें हम माइनर भी कहते हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये सब वो लोग हैं जिनके पास सारे एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितना भी डेटाबेस स्टोर्ड है वो इन सभी हजारों लाखों लोगों के कंप्यूटर पर उस ब्लॉक की कॉपी अवेलेबल है। इट मींस अगर आपको इस पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना है तो आपको ये सारे हजारों लाखों सिस्टम जो इस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है उन सभी को एक साथ हैक करना होगा। अब हम बात करते हैं कि इस ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक ऐड करने के लिए क्या करना होता है। दोस्तों, इसके लिए हमें 3 स्टेप में काम करना होता है। इसी को हम कहते हैं कंसेंसस रूल। ये 3 स्टेप में कैसे होता है? पहली स्टेप होगी कि आपको वो नया ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके नया ब्लॉक क्रिएट होगा। दूसरी बात, ये नया ब्लॉक जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे कनेक्टेड जितने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, और मेजोरिटी लोग जब तक अग्री ना करें कि साहब ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तब तक वो ब्लॉक इस चेन में ऐड नहीं होगा। दोस्तों, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो कंसेंसस रूल के लिए मैकेनिज्म यूज होता है उसे हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है इसकी बात हम हमारे पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी चीज को समराइज करें तो बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज तक अभी तक के लिए सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। उसका रीजन है कि डेटा क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि डेटाबेस हजारों लाखों कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ सेव होके रखा हुआ है। और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं आजकल कि जितनी भी चीज़ें जहां भी हमें ट्रैकिंग चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन का पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रेल चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सेफ्टी चाहिए, वो सभी चीज़ों में हम आजकल यूज़ करने का सोच रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory records for any loss from such transactions. हम आपको कोई भी financial advice नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। मार्केट रिस्की है तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए।